हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नए वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे ट्वेल्थ फिजिक्स का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसकी थ्योरी विद डेरिवेशन कंप्लीट समझेंगे। तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है और ये 5 नंबर के क्वेश्चंस में बोर्ड एग्जामिनेशंस में आपको सबसे आगे दिखेगा, या तो सरल सूक्ष्मदर्शी या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो देखिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी को समझाते हुए इसके रेखीय तथा कोणीय आवर्धन के व्यंजक को व्युत्पन्न करना है, इसका डेरिवेशंस करना है। तो सबसे पहले आपको शुरुआत कहाँ से करनी है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए पहले तो होता क्या, सरल सूक्ष्मदर्शी वो हमें लिखना है, फिर इसके डायग्राम बनाने हैं, फिर इसके डेरिवेशंस करना है, ठीक है। तो एक उत्तल लेंस सरल सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। पहली लाइन ये, एक उत्तल लेंस होता है वो सरल सूक्ष्मदर्शी कहलाता है, ठीक है। अब सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है, यानी कि कहने का मतलब होता है सरल सूक्ष्मदर्शी होता है वो कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है, ये ध्यान रखना है। तथा जब कोई बिंब उत्तल लेंस के सामने इसके प्रकाशिक केंद्र यानी ओ, प्रकाशिक केंद्र ओ तथा एफ फोकस के मध्य रखा जाता है, यानी ओ और एफ के मध्य रखा जाता है, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो सीधा, बड़ा और आभासी होता है ना। तो देखिए यहाँ पर दो डायग्राम बनाए हैं, पी क्यू ओ डैश, जिसमें ये दूरी है डी, ये चित्र फर्स्ट है, इसके मध्य जो कोण बना है वो अल्फा बना है ना। और इस प्रकार ये दो आंखें बनाई हैं जो चित्र सेकंड में आपको प्रदर्शित हैं, ये बिंब के लिए, ये प्रतिबिंब जो एक तरफ बिंब, प्रतिबिंब बिंब की तरफ कार्य करेगा उसके लिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो ये डायग्राम बनाया है इसकी हम थ्योरी इस यहाँ पर समझेंगे। तो चित्र फर्स्ट में पी क्यू आँख से स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी पर रखा जाता है ना, तथा इस स्थिति में दर्शन कोण का मान अल्फा है। यहाँ पर जो दर्शन कोण होगा उसका मान क्या है, अल्फा है। तो ये स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी पर रखा जाता है ये सरल सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। और चित्र सेकंड में इसी बीम यानी जो पी क्यू बीम है, इसी बीम यानी पी क्यू, देखिए यहाँ पर पी क्यू है ना, इसी बिंब पी क्यू को उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र ओ, प्रकाशिक केंद्र ओ तथा फोकस दूरी एफ के मध्य रखा जाता है, फोकस दूरी एफ इन दोनों के मध्य इसको रखा जाता है, किसको, पी क्यू को, जो यहाँ पर है ये तो हम सूक्ष्मदर्शी के सामने रखा है, ये आपको खुला बताया है ना। तो यहाँ पर मध्य रखा जाता है, तथा इस स्थिति में आँख पर बना दर्शन कोण बीटा है। तो यहाँ पर जो आँख पर जो दर्शन कोण बना, यहाँ पर अल्फा बन रहा था, इस प्रकार यहाँ पर बना जो दर्शन कोण, ये देखिए कोण बना है, ये बीटा है, पी क्यू ये एफ और ओ के बीच में, ठीक है। तो इस प्रकार ये बना है, दर्शन कोण का मान बीटा है, बीटा का मान अल्फा की तुलना में अधिक होता है, और ये जो बीटा होता है वो अल्फा की तुलना में अधिक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके फलस्वरूप प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, यही सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत है। इसके फलस्वरूप जो बिंब का प्रतिबिंब बनता है वो हमें स्पष्ट सुव्यवस्थित दिखाई देता है, जो स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो यही क्या, सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत है। तो इस प्रकार ये आपको पूरी थ्योरी लिखनी है विद इन बोर्ड एग्जामिनेशंस में। फिर आगे हम इसका डेरिवेशन समझेंगे। तो देखिए डेरिवेशंस किस प्रकार है वो हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले हम रेखीय आवर्धन निकालेंगे। रेखीय आवर्धन क्या, वहाँ आपको ग्रीन पेन यूज नहीं करनी है, मैं आप यहाँ पर ग्रीन पेन अलग दिखने के लिए मैंने लिए। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है, उसको रेखीय आवर्धन कहते हैं। एक नंबर के क्वेश्चन आ सकता है कि रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, तो आपको ये थ्योरी लिखनी है, प्रतिबिंब तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात जो होता है रेखीय आवर्धन, यानी कि रेखीय आवर्धन इज इक्वल टू बिंब, प्रतिबिंब की हाइट अपॉन बिंब की हाइट। तो एम रेखीय आवर्धन को एम से प्रदर्शित करते हैं, तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होती है, एच डैश, ठीक है, और बिंब की ऊंचाई एच। कहने का मतलब प्रतिबिंब क्या होता है वी और बिंब क्या होता है यू, इसको हमने समीकरण नंबर एक दे दी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। तो देखिए हमें पता है लेंस मेकर सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र होता है 1/v - 1/u = 1/f, है ना। तो ये आपको लेंस सूत्र तो याद हो गई, इसका किरण प्रकाशिकी में ये हमेशा आता ही है ना। तो देखिए यहाँ पर -1/u, ये इस पक्ष में लेंगे तो प्लस का 1/u हो जाएगा, है ना, और 1/v ये प्लस का 1/f है, इधर आके माइनस का 1/f, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 समीकरण नंबर 2 दे दिया। ये समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है। अब जो इक्वेशन नंबर 2 है उसका मान 1 में रखना है, समीकरण नंबर 2 का मान किस में रखना है, 1 का, 1 में, यानी कि हमें 1/u की जगह क्या लिखना है, 1/v - 1/f। अब देखिए समीकरण 1 में 1/u कहाँ है, ये v है, v के नीचे, यानी कि v का 1 के साथ जो गुणा है ना, v इंटू 1, तो v आएगा, तो ये 1/u है ना। तो m इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए v है, v, और ये इसके साथ क्या है, इंटू मल्टीप्लाई 1 है, तो 1/u है ना। तो यहाँ पर इसके नीचे ये पूरा 1/u की जगह, यानी कि ये u है ना, ये 1/u, इसकी जगह हमने ये समीकरण 2 का मान 1 में रखा, यानी कि इसकी जगह लिखेंगे 1/v - 1/f। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर देखिए m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये v से v कट जाएगा, है ना, v कोष्ठक के अंदर गुणा हो रहा है, v से v कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस
यहाँ से गुणा हो जाएगा तो v अपॉन एफ है ना। इसको हमने क्वेश्चन नंबर तीन समीकरण नंबर तीन दे दिया। ये देखिए हमने आवर्धनता निकाल दी, रेखीय आवर्धनता निकाल दी। यहाँ पर हम एक दो परिस्थिति लेंगे, ठीक है। पहली परिस्थिति, यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी पर बनता है, यानी कि जो दूरी होती है वो स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी यानी कि एक मिनिमम दूरी पर बनता है ना। तो यहाँ पर देखिए जो दूरी पर बनता है, प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब को हम वी से प्रदर्शित करते हैं, तो वी इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस डी, ठीक है। तो हम ये समीकरण नंबर फोर दे दी और फोर की जो वैल्यू है इस थ्री में पुट कर देंगे, तीन में रख देंगे, ठीक है। तो m इज इक्वल टू वन, ये देखिए माइनस, या अगर मैं v की जगह माइनस डी लिखूँ, देखिए वन माइनस v की जगह मैं माइनस डी लिखूँ और नीचे क्या है f, तो ये वन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये देखिए वन प्लस डी अपॉन एफ। इसको हमने क्वेश्चन नंबर फाइव समीकरण नंबर पाँच दे दिया। अब इस प्रकार हमने रेखीय आवर्धन निकाल दिया, अब हम कोणीय आवर्धन निकालेंगे। कोणीय आवर्धन देखिए कैसे है, कोणीय आवर्धन इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है। देखिए पहले हमने जो चित्र सेकंड था उसमें दर्शन कोण का मान बीटा था, फर्स्ट चित्र था उसमें दर्शन कोण का मान अल्फा था। तो यहाँ पर देखिए टेन बीटा, टेन बीटा इज इक्वल टू क्या होगी, टेन बीटा की वैल्यू हो जाएगी पी डैस क्यू डैस अपॉन पी डैस ओ इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी ओ। ये आपको चित्र को देख कर लेना है ना। तो देखिए पी डैस क्यू डैस अपॉन पी डैस क्यू डैस, ये देखिए पी डैस क्यू डैस अपॉन पी डैस ओ, ये तो हो गई इस वाले थीटा, इस वाले चित्र सेकंड के। इस प्रकार इसका भी देखिए पी क्यू अपॉन पी ओ ये है ना। तो इस प्रकार ये सेकंड चित्र की हो गई है ना। तो यहाँ पर देखिए अब हम सेकंड चित्र हो गया। अब यदि टेन अल्फा, इस प्रकार टेन अल्फा, इसको हम इस प्रकार देखिए सेकंड चित्र, उससे पहले हम देखेंगे कि पी क्यू जो है ना, ये पी क्यू उसके बराबर है, यानी टेन अल्फा की जो वैल्यू इसके, ये पहले देखिए टेन अल्फा की निकालते हैं। टेन अल्फा क्या हो जाएगा, पी क्यू अपॉन पी ओ डैस है ना। देखिए पी क्यू अपॉन पी ओ डैस, इसको हमने क्वेश्चन नंबर सेवन दे दिया है ना, ये टेन बीटा की सिक्स सेवन। तो यहाँ से देखिए कोण थीटा अत्यल्प है, यानी कि जो थीटा, यानी कि यहाँ पर कोण क्या है, थीटा ना होकर बीटा और अल्फा है ना, ये बीटा है और ये अल्फा है, तो ये कोण है जो अत्यल्प है, यानी कि बहुत लेस 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 देन है, बहुत कम है। तो टेन बीटा की वो जो वैल्यू है वो बीटा के बराबर मानेंगे और टेन अल्फा की जो वैल्यू अल्फा के बराबर मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो टेन बीटा था उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ एम इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा था, तो यहाँ पर एम इज इक्वल टू बीटा, यहाँ पर टेन बीटा की जगह मैं बीटा लिखूंगा, ठीक है। बीटा, बीटा इज इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगी, पी क्यू अपॉन पी यू है ना, पी क्यू अपॉन पी यू, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन अल्फा की, टेन अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, ये टेन अल्फा को हम अल्फा ले रहे हैं, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी पी क्यू अपॉन पी ओ डैस। तो अल्फा की जगह मैं क्या लिखूंगा, पी क्यू अपॉन पी ओ डैस है ना। तो पी क्यू पी क्यू से कट जाएगा, तो पी ओ डैस अपॉन पी ओ आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ही हमने कोणीय आवर्धन और रेखीय आवर्धन निकाल दिए। अब देखिए आगे जो डेरिवेशन होगा इसका, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए पी क्यू अपॉन पी ओ डैस, तो पी क्यू की पी ओ डैस की वैल्यू क्या है, हमें पी ओ डैस की वैल्यू निकालनी है। पी ओ डैस की वैल्यू देखिए पी ओ डैस, पी ओ डैस, पी ओ डैस की जो वैल्यू है, यानी कि ये क्या है, ये स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी है, यानी कि ये क्या है, डी है ना। तो ये पी क्यू डैस अपॉन ये डी, और नीचे क्या है, ये बिंब रखा है ना, तो यो यूँ हो जाएगा, एम इज इक्वल टू डी अपॉन यू। इसको हमने क्वेश्चन नंबर एट समीकरण नंबर आठ दे दिया। यदि प्रतिबिंब डी दूरी पर हो, देखिए यहाँ पर वापस दो स्थितियाँ लगाएंगे, ये इस फॉर्मूले के अनुसार नहीं है, ये लेंस मेकर सूत्र के अनुसार है। वो हमने कोणीय आवर्धन रेखीय आवर्धन निकाले, अब देखिए इस परिस्थिति में और निकालने, इससे ये क्वेश्चन पाँच नंबर आपको पूरे देखे जाएगा। तो यदि प्रतिबिंब डी दूरी पर हो तो इज इक्वल टू, देखिए लेंस मेकर सूत्र होता है, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ। इसको क्वेश्चन नंबर नौ समीकरण नंबर नौ दे दिया। तो वी इज इक्वल टू क्या, देखिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी, तो मैंने आपको कहा था वी इज इक्वल टू माइनस डी लिखना और यू इज इक्वल टू क्या लिखना है, माइनस यू। इसको हमने क्वेश्चन नंबर टेन, तो ये जो वैल्यू है दस की वैल्यू है इसमें पुट करनी है, ठीक है। तो वन अपॉन वी की जगह हम क्या लिखेंगे, देखिए वी की जगह हमें क्या लिखना है, माइनस डी। देखिए यहाँ वी की इक्वल टू माइनस डी, वन अपॉन, यानी कि मतलब यहाँ पर हो जाएगा माइनस वन अपॉन डी, प्लस यहाँ पर यू की जगह माइनस यू, तो एक तो माइनस की वैल्यू है सूत्र से, फॉर्मूले से, और एक यू की जगह मैं माइनस यू लिखूंगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर माइनस वन अपॉन यू है, यू की जगह मुझे क्या लिखना है, माइनस यू, और एक ये इसकी जगह तो वी की जगह माइनस डी लिखना है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये देखो प्लस हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इसको मैंने वन अपॉन यू, देखिए वन अपॉन यू की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन एफ, ये माइनस के दो हो जाएगा वन, प्लस वन अपॉन डी हो जाएगा है ना। तो एक समीकरण नंबर ग्यारह दे दिया। समीकरण ग्यारह की जो वैल्यू एट में रखनी है, जो वन अपॉन यू की वैल्यू आई है वो यहाँ पर रखनी है। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर m इज इक्वल टू डी, यानी वन अपॉन यू की जगह हम क्या लिखेंगे, वन अपॉन एफ प्लस वन अपॉन डी।
ठीक है। तो यहाँ से देखिए m इज इक्वल टू, यहाँ अंदर गुणा कर देंगे तो अंदर गुणा कर देंगे तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा d अपॉन f है ना, d इंटू वन d, नीचे f है और d इंटू वन d ऊपर और नीचे d है, तो d d से कट जाएगा तो क्या हो जाएगी वैल्यू वन हो जाएगी, तो ये वन। इसको समीकरण नंबर 12 दे दिया। तो जब लेंस द्वारा प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, यहाँ पर देखिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी यानी माइनस डी पर लिया था, यहाँ पर हम लेंगे अनंत पर यानी कि माइनस अनंत। तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू इन्फिनिटी, तो यू इजिकल टू यू इजिकल टू, जब अनंत पर बनेगा तो यू पर बिम का रखेंगे फोकस दूरी पर एफ पर रखेंगे। यहाँ पर समीकरण नंबर हमने क्या दे दिया 12 दे दिया है ना, तो यहाँ पर हमने समीकरण नंबर 12 दे दिया। इस प्रकार देखिए ये इन्फिनिटी वैल्यू है, तो इस प्रकार एम इजिकल टू क्या होता है डी अपॉन यू, देखिए यहाँ एम इजिकल टू डी अपॉन यू है, तो डी की जगह हम क्या लिख रहे हैं डी और यू की जगह हम लिखेंगे एफ है ना। तो यहाँ पर देखिए वन अपॉन वी लेंस मेकर सूत्र माइनस वन अपॉन यू एफ, तो यहाँ पर वी की जगह हमें क्या लिखना है, वी की जगह अनंत लिखना है, तो वी इन्फिनिटी माइनस वन अपॉन यू यानी यू की जगह हमें लिखना है एफ, तो यहाँ पर देखिए माइनस वन अपॉन यू, हाँ तो ये तो वैल्यू क्या हो जाएगी शून्य हो जाएगी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा वन अपॉन यू, तो इस प्रकार ये वन अपॉन एफ। इस प्रकार ये हमने फॉर्मूला था जो सिद्ध कर दिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज, मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। यहाँ पर माइनस यू कर देना है ना, तो इस प्रकार ये हमारा वीडियोज़ पूरा हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़, और ट्वेल्थ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथमेटिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मिलते हैं तब तक एक नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।